जैसे कि लोग पूछते हैं कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं शेक्सपियर बनना चाहता हूँ, ये मेरा एम है। दिल्ली में आया था अपनी पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए, परंतु जब मैं गांव में था तब गुलशन नंदा जी की पुस्तकें पढ़ता था हिंदी भाषा में, और वहां से मुझे प्रेरणा मिली। मैं दिल्ली आया, दिल्ली आकर मुझे पुस्तकें प्रकाशित करना था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था ये पुस्तकें प्रकाशित होती कैसी है। पर यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि इसमें बड़ा संघर्ष है, और मैं दिल्ली में आया 75 में, और ITU के पास विष्णु दिगंबर मार्ग पर, इस रोड का नाम विष्णु दिगंबर मार्ग है, और इसी रोड पर मैंने पान पेड़ के नीचे चबूतरा बनाकर पान बीड़ी सिगरेट बेचने लगा। उसके बाद मैं दरियागंज जाता था, कुछ पुस्तकें लाता था पढ़ने के लिए। वहाँ से मुझे बड़े बड़े साहित्यकारों का पता चला, जैसे कि प्रेमचंद, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, अमृता प्रीतम, टॉल्स्टॉय, लेनिन, गोर्की, मार्क्स, शेक्सपियर, इन लोगों की भी हिंदी भाषा में मैं पुस्तकें लाकर पढ़ने लगा। और धीरे धीरे मैंने ऐसा करते करते फिर मैं कुछ लिखता गया, तो एक एक उपन्यास लिखा, नाटक भी लिखे, परिक्रम चलता रहा, और अब यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। अब मैं 67 साल की उम्र में मैंने 25 किताबें लिखी। अब मैं अपनी सारी पुस्तकें दूसरी लैंग्वेज में प्रकाशित करना चाहता हूँ। फिर भी मैंने अब तक अपनी पुस्तकों की 30,000 प्रतियाँ बेच चुका हूँ, और स्कूलों में, कॉलेजों में जाकर, साइकिल पर ले जाकर, क्योंकि मुझे सब कुछ करना था। जैसे कि लोग पूछते हैं कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं शेक्सपियर बनना चाहता हूँ, ये मेरा एम है। और आज भले ही मैं देश दुनिया के सामने एक एस्टैब्लिश लेखक हूँ, और लोग मुझे कहते हैं कि ये क्यों छोड़ नहीं रहे हो, ये क्यों करते हो। दरअसल अब लोग कहते हैं कि भाई इतना बड़ा आदमी बनाऊँ, तो मैं कहता हूँ इतना बड़ा आदमी बनाऊँ तो इसे क्यों ठोकर मारा जाए, इसलिए मैं ये भी कर रहा हूँ, और इस तरह से मेरा काम चल रहा है। सारे लेखक नहीं है जो रजिस्टर तैयार कर रहे हैं, वो पैसे कमा रहे हैं, वो लेखक नहीं है। तो ये जो चीजें उभर कर आती है, एक कविता या एक पेज या एक पृष्ठ, वो दिल को छू जाता है।